अलैकुम। ये देखिए आपकी ब्लॉगर मारुफा नवाज की आज दिल्ली आके हालत बहुत खराब है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। मुझे नहीं मालूम था अभी कैमरा उठा के अभी इनका व्लॉग मतलब गूंगा बोला साहिबा वाला हालत हो गया। बोला तो बोला, मेरे तबीयत के बारे में बोल दिया आपने। भाई फ्रेंड्स, आई हुई हूँ दिल्ली, और दिल्ली आकर मैंने सोचा था कि आज मैं निकलूँगी व्लॉगिंग करने के लिए। हालांकि 12:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से मैं निकल ही नहीं पाई। आज पूरा दिन लॉस्ट हो गया, पूरा शाम को ज़बरदस्ती साहब लेके चलते हैं, नई चाय पीना होगा, पीना होगा जाकर। जामा मस्जिद की तरफ हम लोग ने होटल लिया है, होटल का व्लॉग आ जाएगा, आप लोग देखिएगा। इतना मतलब भीड़ देखा मेरा कैसा मुझे लगने लगा, और फिर मैं वापस आ गई उल्टे पैर। फिर थोड़ी देर में साहब चिल्लाते हैं कि मैं दवाई नहीं खाने दूंगा, जाना होगा व्लॉगिंग अगर करना है तो आपको उठना होगा। और लिटरली अभी बैठी हूँ अभी रूम में, रात के करीबन बज रहे हैं 10। शाम को जैसे तैसे करके मैं गई, वैसे ही भीड़ भड़के में चाय मैंने पिया, दवाई आकर खाई हूँ, अभी फिर ज़बरदस्ती का खाना खा लो, खाना खा लो। मैं कह रही हूँ कि आप और तप्पी जाएं खाना खा लें, सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी चलिए चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, देखते हैं। दुआ करिए कि तबीयत मेरी सही हो जाए, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। दिल्ली के जितने बुजुर्ग हस्ती हैं, वली हैं, वली अल्लाह सबके मज़ारात के वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊँ। चलिए अभी चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, आइए। अब ठीक है बस भी भैया, करें, आप लोग दुआ करिए जल्द से जल्द आपकी ब्लॉगर ठीक हो जाए। गूंगा बोला साहिबा। अल्लाह हाफिज। एक फ्रेंड्स तरफ गांधी अभी लेते, एक तरफ जो है कैपेसिटी खाने जाने से पहले अभी हो रहा है, मतलब बात हो रहा कुछ है कि यहाँ पे आलू वाला बिरयानी नहीं मिलेगा, अच्छा। वहाँ पे वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो अहमद साहब कह रहे हैं चलो तुमको चूहे का कुछ चूहे चलिए चल के देखते। हंस नहीं सक रही हूँ, सर में टन टन सा आवाज का तरह लग रहा है, दर्द हो रहा है। चलिए निकलते हैं, देखते हैं क्या है खाने में। ऑप्शन बहुत सारे हैं, जामा मस्जिद के एरिया है। रूम हो गया है लॉक, होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हम लोगों का माशाल्लाह, और लोकेशन भी काफ़ी अच्छा। अभी आप लोग इस वीडियो में भी लोकेशन देख लोगे होटल का। वैसे मैंने अलग से पूरा होटल का व्लॉग बनाकर डाला है, यार मेरा हाथ ना कांप रहा है। ठंड भी है दिल्ली में, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं जितना मैंने सोचा था। आजा, तो ये हमारा थर्ड फ्लोर है। फर्स्ट दिन है आज दिल्ली में, पूरा दिन का नुकसान हो गया, मुझे तो हजम नहीं हो रहा ये बात। और फिफ्थ फ्लोर में हम लोगों को भी रूम दिखाया गया था, लेकिन फिफ्थ फ्लोर वाला जो रूम है ना, मुझे उतना समझ नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने थर्ड फ्लोर वाला रूम लिया जो 4 लोगों का कैपेबिलिटी रखता है। चलिए आ गया, आ गया जी, चले आए तब्बी। ये देखें हम लोगों के होटल का लोकेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है, क्योंकि भाई हम लोगों ने इस बार ना जानबूझ के ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद के तरफ अपना रूम लिया है। चहल पहल काफ़ी ज़्यादा, ये देखें हम लोग आए अभी यहाँ। ये देखें फ्रेंड्स सामने, इग्नोर नहारी के लिए मुंह देखो, नहारी सुन ली है, नहारी भी है तो एक ही चीज मंगाई है, सब खा लेगा। सो दिस इज द नेम ऑफ द होटल, रहमतुल्ला होटल, वेरी फेमस इन दिल्ली। एंड मेरी तप्पी को देखें, तंदूरी नहीं, नहीं तंदूरी नहीं, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। रुमाली रोटी और रुमाली वाह। मेरी तप्पी को खाना था नहारी और पाया, नहारी पाया ख़त्म हो चुका है। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, आए थे लेने के लिए तो उन्होंने कहा अब क्या होगा सर, सर अब क्या होगा, नहारी पाया तो ख़त्म हो गया।
अरे वाह, कॉन्फिडेंस लेवल देखो, कह रही है कल खा लेंगे, कौन सा बात है, आज तो पहले ही दिन है दिल्ली में, अभी तो है हम लोग काफी दिन के लिए दिल्ली में। वेल फ्रेंड्स, हमने ऑर्डर तो दे दिया है खाने का, और अभी हमारा जो डिनर आता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं तो खाऊंगी नहीं, अहमद और तप्पी खाएंगी तो वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं हैरत हूँ यहाँ का मेन्यू कार्ड देखकर कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा सस्ता होगा। तो वही मैंने से कहा कि यार फूड का रेंज जो है वो काफ़ी सस्ता है, तो वो कहते हैं अभी जीएसटी एमसीजीएसटी उसमें लगना बाकी है, तो ज़्यादा ये मत बोलो कि सस्ता है या ये है या वो है। नहीं, लुक्स अच्छा है रहमतुल्ला होटल का, और देखते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। खाना का टेस्ट कैसा है वो मैं अहमद साहब एंड तप्पी से पूछ कर आप लोगों को बताऊंगी। ये अभी हम लोग बैठे थे तो सर बता रहे हैं, ये कौन है जो जिन्होंने ओपनिंग किया था, बुनियाद डाला था जिन्होंने, और ये उनके बेटे हैं। अच्छे, हाँ, अर्जुन केजरीवाल के साथ भी फोटो है। मेन्यू कार्ड के पीछे और हिस्ट्री बोल के ये पूरा लिखा हुआ है। किन का फोटो दिखा रहे हैं आप हमको? मतलब वो सारे लोग यहाँ पे आए हैं, नामी ग्रामी होटल है मतलब। तो पिछली बार हम लोग आए थे, यहाँ नहीं आए थे। चलो ठीक है, हाँ वही बात है, एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए सब जगह का, है ना भाई। अहमद साहब ना पूरा पीएचडी करके जाएंगे इस होटल में, वो एकदम मेन्यू कार्ड लेके देखिए बैठ गए हैं, बाकायदा वो पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। हो गया क्वेश्चन पेपर तैयार करें, रेडी फॉर एग्ज़ाम। भाई फ्रेंड्स, आ गया है कबाब, अहमद का फेवरेट, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप चेक कर देखो, लेकिन भाई मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं है इसको खाने का, बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, इंसान का तबीयत सही रहता है ना तो वो सब चीज़ खा लेता है, लेकिन जब इंसान का तबीयत ही सही नहीं रहेगा तो उसके सामने कुछ भी रहे आकर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, खाना आ गया है, ये कोरमा है और वो कबाब मैंने आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पे नान है, ये आ गया जी रुमाली रोटी। सारे चिकन नहारी का डिमांड कर रहे हैं सारे, और वो बेचारा सबको बोलता चल रहा है कि चिकन नहारी ख़त्म हो गया है। मुझे तप्पी का एक्सप्रेशन देखना है खाते हुए। हाय हाय, कैसा है ज़रा बताएं, कैसा है? सही सही बताएं भाई, फिर मेरे ऑडियंस भी आएंगे तब मज़ा, मेरे को खा लेंगे तो अभी सजा हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को स्मेल से मेरे को कैसा कैसा लग रहा है अभी। स्मेल अच्छा है फ्रेंड्स, कसम से बता रही हूँ, स्मेल बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बहुत गलत हो गया ना फ्रेंड्स मेरे साथ कि मैं दिल्ली जैसे शहर में आई हूँ, जायका वाला शहर में, और यहाँ का मशहूर एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, लेकिन खाना मेरे सामने है, खुशबू भी आ रही है, लेकिन मैं मन नहीं हो रहा मेरा खाने का। ये एक सजा ही तो हो गया ना बिल्कुल। कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह आप लोग दुआ कर देना, मैं कल तक इंशाल्लाह सही हो जाऊंगी, तो फिर खाते पीते हैं, दिल्ली का जायका का लुत्फ़ उठाते हैं। भाई फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पानी का बॉटल मंगाया। अब आप लोग सोचोगे मारफा यार पानी का बॉटल दिखाने का क्या मतलब, तो ये देखें ना, इन लोगों का खुद का होटल का मैनुफैक्चर किया हुआ पानी है। ये देखें लिखा है होटल रहमतुल्ला, मतलब इन लोगों ने पानी भी खुद ही तैयार किया है। गुड, इन लोगों के साथ बैठो डिनर करने और ना खाओ तो ऐसा होगा नहीं। दोनों वाला ज़बरदस्ती का खाना पड़ा है फ्रेंड्स, अभी पता नहीं ये हज़म होगा कि रूम में जाके निकलेगा, क्या होगा पता नहीं। सारे बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं, ये देखें पूरा बांग्लादेशी फैमिली है। आप खाएं अपना, क्या हुआ जो बच्चा उसको पैक करवा के ले रही हैं, क्यों तप्पी खा रही हैं। अहमद सर गए थे, बिल करवा चुके हैं, तप्पी का खाना हो जाए तो फिर हम लोग निकलेंगे अपने रूम के लिए। मुंह देखो,
तुम्हारा तो बहुत फेवरेट है, खाओ ना चावल। नहीं अरे भाई, बंगाल से आदमी नहीं सकेगा, दिल्ली आके भी चावल ही ढूंढ रही है। रुमाली रोटी है, नान रोटी है, मंगा दो इधर से, चावल मंगा दे। कितना रोटी मंगाने कौन बोला फिर? हम समझे, मैं देखती रोटी खाने। चलो ठीक है, आराम से खा रहे फ्रेंड्स। हो गया इन लोगों का खाना, चलिए चलते हैं रूम की तरफ। भाई फ्रेंड्स, रहमतुल्ला होटल से खाना खा के ये देखें सीधा हम लोग अपने होटल पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये रहा हमारा होटल जिसमें हम लोग रुके हैं ये, और इसके ठीक यहाँ से रास्ता है रहमतुल्ला होटल का। मुझे आप लोगों को उस तरफ से दिखाना था, तो जाते वक्त वहाँ पे चले गए थे। ये देखें, आओ आओ ऊपर चलते हैं भाई। मुझे 3 नंबर है। अहमद को भेजे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक आएगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, भारी हो रहा है तबीयत, शायद ठीक हो जाए। आइए चलिए, हमारा फ्लोर भी आ गया है, आइए रूम की तरफ चलते हैं एंड वीडियो को करते हैं एंड। अंदर में सर भी आ गए हैं, क्या लाए हैं? स्प्राइट। हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लिमका स्प्राइट जो भी, और साथ लिमका भी चल रहा है। सर सोएंगे वहाँ पे और मैं और तप्पी यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ें पी चुके हैं सारे, मुझे नहीं मिला है कोल्ड ड्रिंक क्योंकि ठंडा है और मुझे बुखार आ रहा है रह रह कर, उसके ऊपर से मेरे सर में भी दर्द है फ्रेंड्स। अभी हम लोग आकर अपने रूम पर अब सोने जा रहे हैं ठंड के लिए। ये देखिए, ये सारी चीज़ें होटल रूम से ही हमें प्रोवाइड हुआ है, होटल वालों ने ही दिया है, सारे होटल वाले प्रोवाइड करते हैं ठंड के टाइम में। तो चलिए, थकावट इसलिए हो गया ना फ्रेंड्स और भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो ट्रेन का टिकट था अजमेर टू दिल्ली वो कंफर्म था, मेरा सीट भी ऊपर की तरफ था, लेकिन भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया ट्रेन में क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले बहुत ज़्यादा थे, और मुझे तो एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं यू नो जनरल बोगी में ट्रैवल कर रही हूँ, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। और अहमद साहब मुझे ऐसे करके देखते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे, तो मैंने उनसे कहा कि क्या, तो बोलते हैं कि अच्छा है ठीक है, आप ही का आइडिया था कि नॉर्मल ट्रेन का टिकट लें, एसी का ना लें, क्योंकि भाई ठंड है, ऐसा है वैसा है। भाई फ्रेंड्स, कसम से मुझे नहीं मालूम था कि नॉर्मल ट्रेन का जो टिकट होता है उसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं नागपुर भी गई थी नॉर्मल ट्रेन के टिकट से, और इससे पहले भी मैं एक दो सफ़र नॉर्मल ट्रेन के टिकट से की हूँ, लेकिन ऐसा हालत मैंने नहीं देखा जैसे अजमेर टू दिल्ली आने वाला ट्रेन का मैंने अब की देखा है। लोग लिटरली ट्रेन के ज़मीन पर सोए हुए थे, फ्लोर पर, और किसी किसी को जगह नहीं मिला ठंड का वक्त, और ठंड इतना ज़्यादा था कि शायद मेरा कुल्फ़ी जम जाता, क्योंकि भाई मैं 3 चादर एक कंबल ओढ़ कर और हाथ में ग्लव्स और बॉडी में स्वेटर शॉल पहन कर सर में पूरा ऐसे ही बांध कर, उसके बावजूद मुझे इतना ठंडा लगा, ऐसा मेरा तबीयत ख़राब हुआ कि मेरा वॉमिटिंग भी हुआ उस पर, मैं बीमार भी हो गई, बुखार भी आना जाना कर रहा है, आज का पूरा दिन मेरा लॉस्ट हो गया। ये तो मेरा सबसे बड़ा मतलब शॉक मुझे लगा है। एक दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह कि कल तक मैं सुबह सोकर जब उठूँ तो ठीक हो जाऊँ, अल्लाह से दुआ यही करती हूँ। काफ़ी दूर से कोलकाता से मैं यहाँ आई हुई हूँ दिल्ली, तो चलिए मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ फ्रेंड्स। और आप लोगों ने कहा था गरीब नवाज सरकार के यहाँ दुआ करने, मैंने किया है, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। अब चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। शायद भूल गई है तीन बार एसी में सफर करने के बाद भी, क्या कि ठंड में एसी नहीं चलती, इसमें हीटर ऑन हो जाता है। मुझे नहीं याद है, कसम से नहीं याद है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। पिछली बार जब हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे अजमेर कलकत्ता सियालदह टू अजमेर, एसी ऑफ हो जाता है, तो क्या एसी ऑफ हुआ था? एसी तो ऑन था। नहीं नहीं, एसी ऑफ हो जाता है, हीटर ऑन रहता है। तो मैं क्या, मैं इस दुनिया में नहीं थी क्या उस टाइम? मेरा आत्मा जा रहा था क्या, रूह जा रहा था मेरा ट्रेन में बैठ के सियालदह? क्या पिछला बार तो फुल ऑन था एसी, नवंबर का महीना, तो चलो वो गर्मी का मौसम था, और याद है दिसंबर दार्जिलिंग वाला सीन, दार्जिलिंग में भी तो हम लोग वापस जब आ रहे थे तो उसका सेकंड क्लास एसी का बुक था, उसका क्या हुआ था? उसमें भी तो एसी ऑन था, एसी ऑन था, लेकिन एसी जो है
है। मेरा तो कुल्फी जम गया था ना उस दिन। हम तो वही बात को सोच के मद्देनजर रखते हुए बोला था ना कि नॉर्मल ट्रेन का टिकट करवा लीजिए। कितनी अच्छी गृहिणी है हम, देखिए तो आपको पैसा कितना बचाया मैंने। हाँ कितना पैसा बचा दिया मैंने आपका, सोचिए तो। अगर एसी डिपार्टमेंट का अगर आप बुक करवाते कितना पैसा लगता। हाँ हाँ हो गया बंद करे, क्या हो गया, और कुछ नहीं बोलना है, मेरा तारीफ भी कर दीजिए जरा। हाँ बस भाई खाली ऑडियंस के सामने मुझे विलन बनाते हैं।